ये देश मूर्ति पूजकों का देश है। सिर्फ देवी देवताओं की नहीं बल्कि महान व्यक्तियों की मूर्तियां देश भर में स्थापित की जाती रही हैं, ताकि उन महापुरुषों की नसीहतें पढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को याद रहे। मूर्तियों पर राजनीति भी होती रही है, लेकिन अब मूर्तियों पर महासंग्राम छिड़ गया है। सिर्फ 3 दिनों में महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ने की 4 दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आ चुकी हैं। त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति तोड़ने से शुरू हुआ ये सिलसिला कोलकाता, तमिलनाडु और यूपी के मेरठ तक पहुंच गया है। त्रिपुरा में वामपंथ के ग्लोबल आइकन व्लादिमीर लेनिन की मूर्ति तोड़ने के पीछे बीजेपी समर्थकों का हाथ होने का शक हुआ, तो कोलकाता में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने की घटना हो गई। इसे वामपंथ समर्थकों का जवाबी हमला माना जा रहा है। वहीं त्रिपुरा की घटना पर तमिलनाडु के बीजेपी नेता एच राजा की फेसबुक पोस्ट के बाद वेल्लोर में पेरियार की प्रतिमा तोड़ दी गई। इसमें बीजेपी और सीपीआई के एक एक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। मूर्तियां तोड़ने की घटनाओं का असर आज संसद में भी देखने को मिला। दोनों सदनों में देश भर में मूर्तियां तोड़ने की घटनाओं पर हंगामा हुआ। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि कोई बैडमैन और मैडमैन ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। मूर्तियों पर त्रिपुरा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बवाल हो रहा है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह को इस बारे में आज खुली चेतावनी देनी पड़ी कि माहौल खराब करने वाले किसी भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। महापुरुष की स्टैच्यू को तोड़ा जाना, इसको कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जो कुछ भी घटनाएं कुछ हुई हैं बहुत ही दुखद हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं, और इस संबंध में हमारी होम मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से भी अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को यह स्पष्ट निर्देश दें कि कहीं इस प्रकार की किसी हरकत में कोई इन्वॉल्व न हो। जो भी इन्वॉल्व होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सभी विचारधाराओं के बारे में सम्मान रखते हुए साथ में जाना होगा। इसलिए ऐसे मूर्तियों का भंग करने का, अवमानना करने का, अवहेलना करने का और हमले करने का, ये सारे घटनाओं का मैं घोर निंदा करता हूं। फिलहाल त्रिपुरा और तमिलनाडु में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लेफ्ट और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। चूंकि सभी पार्टियां 2019 के चुनावी मोड में आ चुकी हैं, इसलिए यह सवाल भी खड़ा होता जा रहा है कि कहीं मूर्तियां तोड़ने के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का सिलसिला है वो शुरू हुआ त्रिपुरा से, और उसके बाद आग देश भर में फैलती चली जा रही है। तमिलनाडु में पेरियार की मूर्ति तोड़ी गई, तो वहीं मेरठ में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं क्योंकि यहां पर अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया। वहीं कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। RS, for that matter, any radical elements and of all hues, they want to promote such thing, which is, I call them demolition squad. रविन्द्रनाथ टैगोर की भी मूर्ति तोड़ी, जिन्होंने लेनिन पर बहुत कविताएं लिखी। और अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री की हैसियत से मॉस्को गए थे, लौट करके उन्होंने धर्मी, जब गणेश मंत्री जी उसके संपादक होते थे, धर्मी में 7-8 कविताएं लेनिन की प्रशस्ति में लिखी थी। उनको भी तो तोड़ना पड़ेगा। अब हमला करो ना अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर के ऊपर भी, क्यों उन्होंने लेनिन पर कविता लिखी। कोई हारता है कोई जीतता है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक उनके फिलॉसफी के खिलाफ या उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ अगर कोई सोशल रिफॉर्मर है तो उसकी मूर्तियां तोड़ दो, उसको निकाल दो, ये अच्छी बात नहीं है। हम कंडम करते हैं और इस तरीके के अगर घटनाएं होते रहे आगे इसका बहुत बड़ा परिणाम देश में होने वाला है। तो मूर्ति तोड़ सियासत देश भर में शुरू हो गई है। जिम्मेदार कौन है, यही बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए, महाबहस के लिए, सैयद जफर इस्लाम साहब जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ सैयद वली उल्लाह कादरी साहब जो कि लीडर हैं सीपीआई के, वो जुड़ रहे हैं। आपसे पूछा चाहूंगी जफर इस्लाम साहब, वेंकैया नायडू जी ने कहा मैडमैन है या बैडमैन है जो मूर्तियों को तोड़ रहा है, लेकिन जो शह दे रहा है मूर्ति तोड़ने वालों को उसे क्या बुलाया जाए? बीजेपी मैन, क्योंकि आग तो त्रिपुरा से शुरू हुई, आप उसको रोकने में नाकाम रहे। देखिए, प्रधानमंत्री ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
दोनों इस बात को बड़े सख्ती से उन्होंने कहा है, उनके स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए, कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पार्टी का हो या आपके पार्टी का हो या कोई भी, जो लोग भी इन्वॉल्व है उससे सख्ती से निपटा जाए, इसलिए कि यह परंपरा सही नहीं है और ये सही परंपरा नहीं है। इसलिए हालांकि बात सही है कि लेनिन में इस देश का क्या है, लेनिन तो रशिया के रशिया में होता उनका स्टैच्यू तो अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं नहीं कि ऐसा कोई भी स्टैच्यू जो स्मारक है उसको कभी भी ध्वस्त किया जाए। नहीं इस्लाम साहब, ये फिर भी का क्या मतलब है? देखिए ये कठोर निंदा और निंदा का खेल ठीक है, लेकिन एक बात बड़ी फिर भी का मतलब क्या है? देखिए जो इम्पोर्टेंट बात ये है अंचल जी, इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या जो ऑपोजिशन है वो इसको मोहरा बना के पार्लियामेंट नहीं चलने देना चाहती है? यही वजह है कि पार्लियामेंट नहीं चल रहा, बिकॉज ऑपोजिशन को कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए और मुद्दा सिर्फ मुद्दा अगर आप थमा देंगे तो इसके लिए आप विपक्ष को किस तरह से आड़े हाथों ले सकते हैं? जफर इस्लाम साहब, बहुत सारे लेजिस्लेशन जो चाहिए वो नहीं पास हो। जफर इस्लाम साहब, आप अगर मुद्दा बैठे बैठाए उनकी गोद में डाल देंगे, भाई आप त्रिपुरा में 25 साल का तख्ता पलट आप लोगों ने किया, लोकतांत्रिक तरीके से आप वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं, इसके बाद ये चलो पलटाए का नया मॉडल ले आए, लेनिन की मूर्तियां ध्वस्त होना शुरू हो गई, तो मुद्दा तो बैठे बैठाए आप थमा रहे हैं और फिर भी विपक्ष को कोस रहे हैं। अरे देखिए चलो पलटाए नहीं नहीं चलो पलटाए तो हमारा स्लोगन है, वो इलेक्शन का स्लोगन था, कोई मूर्ति गिराने का और उसको ध्वस्त करने का स्लोगन ना है और ना कभी रहेगा, ना हमारी डिसिप्लिन पार्टी। हाँ हमारे कोई भी कार्यकर्ता अगर इसमें कभी आपको ट्वीट बता दूं किस किस नेता ने क्या क्या ट्वीट किए हैं, सख्ती से निपटा जाएगा ऐसा पार्टी के अंदर भी और जफर इस्लाम साहब संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए तदागत रॉय गवर्नर साहब, उन्होंने कहा कि हाँ ये हक बनता है, सरकार बदलती है तो वो मूर्तियां इस तरह से बदल सकती है, ये जस्टिफाई करना नहीं होता तो और क्या होता है? आप बताइए तथागत रॉय के खिलाफ क्या एक्शन लिया, आप बताइए कि आपने एच राजा के खिलाफ क्या एक्शन लिया जिन्होंने बाकायदा वो फेसबुक पोस्ट डाली, एक्शन बताइए क्या लिया? देखिए वो जो उन्होंने कहा उसको सही पर्सपेक्टिव संदर्भ में सोचिए और समझिए, वो बहुत सारी चीज होती है, सरकार चेंज होने से उनकी मानसिकता हम फॉलो नहीं करेंगे, 20 साल से जो मानसिकता उन्होंने फैला के रखी थी वही मानसिकता नहीं, आप मानसिकता फॉलो ना करिए, लेकिन आपके गवर्नर साहब, मैं इसीलिए कह रही हूँ, वैसे गवर्नर एक न्यूट्रल पोस्ट होती है, लेकिन आपके गवर्नर साहब हम नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, क्या मतलब बनता है इस मामले में ट्वीट करने का, आइडियोलॉजी को ही बढ़ावा देंगे, नेशनलिस्ट सोच हमारी, हम नेशनलिस्ट, हमारे कार है, हमारे कार्यशैली है, तो वही दिखेगा हमारे इसमें। लेकिन क्या अगर सरकार बदलती है तो उसके बहुत सारे चीजें नहीं बदलती, करने के काम करने के तरीके, बिल्कुल, सबसे पहले मूर्तियां बदलिए, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या बदली हमने अब देखा है कि बाकी सरकारों ने किस तरह से किया है। नहीं मैं ये नहीं जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप सरकार बदलने की बात की, तो सरकार बदलने पे कुछ उन्होंने कोई मूर्ति का जिक्र किया था क्या? उन्होंने कहा था कि मैं सरकार बदलने से, सर उन्होंने तो ये बता दिया कि ये बेलेबल ऑफेंस है, अभी भाई आप ट्वीट पढ़िए तथागत रॉय के, उन्होंने ये बता दिया, अगर आप चाहें तो मैं बता सकती हूँ, उन्होंने कहा आई एम एडवाइस पुलिंग डाउन स्टैचू, होना पड़ेगा प्लीज लिसन जफर इस्लाम साहब, उन्होंने कहा पुलिंग डाउन स्टैचू यानी कि मूर्तियों को गिराना, क्षमा कीजिए, वो बताने लॉफुली एम्पावर्ड अथॉरिटी जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इज अ बेलेबल ऑफेंस, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि बेल आसानी से मिल जाती है। बहरहाल मुझे लगता है कि आलोक शर्मा जी को जवाब देना चाहिए और आपसे सवाल पूछना चाहिए, आलोक शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आलोक शर्मा जी नहीं मैं आप हमारे मुहावरे हैं अंचल जी, एक तो अंचल जी जफर भाई बहुत देर, जफर भाई आपको बहुत समय मिला, आप जरा सुन लीजिए, दूसरे मिनिस्टर के राष्ट्रीय जफर जी जरा सुन लीजिए, चार बार रिपीट कर लीजिए, जरा सुन लीजिए, अब अरे सुन लीजिए, पहले मैं कह रहा हूँ अंचल जी से एंकर से चार बार आपने रिपीट कर लीजिए है, अच्छा अंचल जी, आलोक जी, आलोक जी ठीक है, आलोक जी एक सेकंड रुकेगा, जफर इस्लाम साहब बताइए फटाफट फिनिश कीजिए, मैं समझता हूँ आपसे, बोल के शुरू कीजिए, चोरी और सीना जोरी कोई भाजपा से सीखे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरा कोई भाजपा से सीखे,
हम तो सत्ता में आ गए हैं, अहंकार में रहेंगे, सब कुछ बदल देंगे, सारी मूर्तियां तोड़ देंगे। वही तो दिख रहा है, ना हमें दलितों से मतलब है, ना अंबेडकर से मोदी को मतलब है, दिया है। हमारी सरकार जहां आएगी वहां हम पेरियार को हम पेरियार दिया नाम को हम सबको खोलना चाहते हैं। आंचल जी इनको कहिए ना थोड़ा सा मुद्दे पर रहे, ये भाजपा बार बार चलो पलटाई करती है, बेटवे ही पलट जाती है। कुछ आपने हैसियत है और आपका तौर तरीका है, हम आंचल जी में बीच में एक बार भी नहीं बोला था, भाजपा की दिक्कत ये हो गई है कि भाजपा को जमीन नहीं मिल रही है, उसके बाद में जमीन नहीं मिल रही है, ये डिबेट में भी चारों तरफ भागते रहते हैं, मुद्दे पर नहीं रहते। मुझे केवल ये बताइए, गवर्नर नहीं मिलेगा, गवर्नर कह रहे हैं कि जस्टिफाइड है, जमीन आप इनकी सेक्रेटरी जो है एच राजा वो कह रहे हैं कि जस्टिफाइड है। आलोक शर्मा जी अच्छा ठीक है, जफर इकबाल साहब आप जगह जगह सुना रहे हैं 20 से ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार है। आंचल जी आप रुके ना, जफर इकबाल साहब जमीन आपके नीचे से खींच ली गई है। अच्छा खींच ली गई है, वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारकबाद जफर इस्लाम साहब। प्लीज कुछ क्षणों का विराम दें, आलोक जी को बोलने दें, माना कि उनकी जमीन तो आपने ही खिसकाई है ना, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, लेकिन आलोक जी को बात तो पूरी करने दें। आलोक जी क्विकली, इतिहास को बदलता विचारधारा दूसरे लोगों पर थोपकर इस देश को नहीं चलाया जा सकता है। वहां के गवर्नर जस्टिफाई कर रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम जो है वो पूरी जस्टिफाई कर रहे हैं, इनके जो एक सेक्रेटरी है एच राजा वो जस्टिफाई कर रहे हैं, और अभी यहां पर बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता भी आंचल जी आपको कह रहे हैं कि आपको पर्सपेक्टिव का नहीं पता, उनके बयान को आप सही पर्सपेक्टिव मिले, ये यहां बैठकर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। यही बीजेपी का पूरा इतिहास रहा है, ऊना हो, रोहित वेमुला हो, दलितों की कोई बात करेगा, वो अंबेडकर साहब हो चाहे पेरियार साहब रहे हो जिन्होंने महिलाओं के उत्थान की बात की है, ये सबको नस्त नाबूद कर देना चाहते हैं। इतिहास को बदल देंगे, मूर्तियों को बदल देंगे, विचारधारा को बदल देंगे, आप सबके ऊपर विचारधारा छोड़ा गया, ये पाकिस्तान में होता है, हिंदुस्तान में नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर हंगामा हो रहा है, मुझे केवल बता दीजिए भाई, अंग्रेज गए समझ के बैठे, अंग्रेज चले गए उसके बाद भी उनकी मूर्तियों को संग्रहालय में सम्मान हो रहा है, तो क्या आप संसद नहीं चलने देंगे? जफर इस्लाम साहब ने पूछा, संसद में हंगामा करेंगे आप, कानून नहीं पारित करने देंगे? देखिए राष्ट्रपिता जी ने कुछ आंचल जी बोला था, तो अगर स्वरूपन खा की राजनीति करने वाले लोग देश की नाक कटवाएंगे, स्वरूपन खा की राजनीति करने वाले लोग समस्या ये है ना कि टॉपिक कुछ और हो गया, आप जा रहे हो, जरूर पूछा जाएगा देश में कोई कृपया करके हाथ जोड़ रही हूँ टॉपिक पर है। राजनीति अच्छा ठीक है, कादरी साहब से सवाल, ठीक है कादरी साहब मुझे ये बताएं कि आपकी जानकारी में है कि दो लोग जिन्होंने पेरियार की मूर्ति को डिस्ट्रॉय किया और क्षतिग्रस्त किया, वो दो लोग कौन है? उनमें एक बीजेपी का है जो पकड़ा गया है, दूसरा सीपीआई का है, तो ये तो बड़ी अजब सी स्थिति है कि लेफ्ट फ्रंट तुरंत पहुंच जाएगा त्रिपुरा में ये कहने के लिए कि देखिए लेनिन की मूर्ति को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और हमारी जान को खतरा है, आपके तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है, नूरा कुश्ती करेगा, और तमिलनाडु में बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ जाकर आपका नेता पेरियार की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर रहा है। देखिए जहां तक ये मूर्तियां तोड़ने का जो सिलसिला हिंदुस्तान के अंदर शुरू हुआ, ये बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने शुरू किया, मैं ये बहुत ही कठिन तो आप वो न्यूटन्स लॉ बता रहे हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये चीजों की हम कठिन शब्दों में निंदा करते हैं, और ये इस देश सर ये निंदा निंदा देश के अंदर जिस तरह से दहशत और नफरत फैलाकर राज करने का जो फूट डालने का, मुझे ये बताइए इसका मुंतजिर कभी ये देश, मुझे ये बताइए कि पेरियार की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने वाला सीपीआई का नेता है या नहीं है? भाई चाहे है या नहीं है इसकी अलग बात है, मैं कोई भी किया नहीं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी आपकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? कोई भी राजनीतिक दल ऐसी हरकत करता है तो हम उसकी निंदा करते हैं, इसकी अलग बात है, मैं कोई भी किया नहीं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी आपकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? कोई भी राजनीतिक दल ऐसी हरकत करता है तो हम उसकी निंदा करते हैं, और एक्शन क्या लिया? आज यहाँ पर बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि स्पोक पर्सन खुद कि लेनिन का हिंदुस्तान में क्या लेना देना, ये उनको ये जानकारी नहीं है शायद कि लेनिन को
हिंदुस्तान के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी भी मानते थे और भगत सिंह भी अपने आदर्श मानते थे, नेहरू भी मानते थे और बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के सुभाष चंद्र बोस भी अपने आप लेनिन को एक अपना आइडियल मानते थे। तो ये आज ये कहते हैं तो आज ये स्वदेशी बात पर जो बीजेपी कर, तो ये लोग ये लोगों को ये पता नहीं है कि देश के अंदर स्वदेशी विदेशी कर क्या क्या देश का पार्लियामेंट तोड़ देंगे, न्यूटन के फॉर्मूले को तोड़ देंगे, नहीं नहीं मुझे बताइए सारी जो साइंस है उसको भगा देंगे। कादरी साहब आप भी इधर उधर भटक रहे हैं, कादरी साहब आप भी इधर उधर भटक रहे हैं। मुझे सिंपल जवाब ये दीजिए कि पेरियार की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने वाला सीपीआई का नेता है या नहीं है, आपने क्या एक्शन लिया? सिंपल सवाल है, सिंपल जवाब। देखिए उन सारी चीजों के अगर कोई है भी तो हम उसकी कंडेम करते हैं, उसको पार्टी से निकाल, कंडेमनेशन तो चाहिए नहीं, उससे कुछ हो नहीं रहा है। इन चीजों को जो बढ़ा रहे हैं, इनके जो हिच राजा ने जो इस तरह से बात की इसके ऊपर इन्होंने क्या किया आज तक जो तोड़े हैं, आज आज होम मिनिस्टर जी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कल मूर्ति को लाइव चलाया जाता है सारी चीजों पर और कल पुलिस एक्शन में नहीं आती है, पुलिस बेबस हो जाती है। सर आप कौन सा कोई एक्शन में आए हैं? मूर्ति नहीं बनी, आपने क्या एक्शन लिया अपने नेता के खिलाफ? मैं करता हूं कि घर जला दिए गए, ऑफिस जला दिए गए, त्रिपुरा के अंदर मारा जा रहा है, जान की धमकी, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। इस पे क्यों होम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे? जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए, मोदी जी क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी अच्छा जवाब ले रहे हैं, जफर इस्लाम साहब जवाब जी जी जवाब 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 इस्लाम साहब। देखिए मैं पूछ रहा हूं, ये जो एएसओ सज्जन बैठे हैं इनको क्या ये केरला लेफ्ट पार्टी ऑफ केरला के मेंबर लगते हैं? देखिए अब केरला तो में ही बची है सिर्फ लेफ्ट पार्टी, बाकी जगह तो ध्वस्त हो गई है। वहां जो उनका लास्ट किला जा किला जो त्रिपुरा में था वो भी खत्म हो चुका है, उसको ध्वस्त किया गया। अरब महासागर में ये लेफ्ट की जो सोच है उसको अरब महासागर में दोबारा बाकी है, कांग्रेस समेत ये भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन देश को छुटकारा मिलेगा लेफ्ट की सोच से। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि केरला में इतने क्राइम कर रहे हैं, इतने लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, उसके बारे में कुछ कर रही है? बारे में फिक्र कीजिए केरला में आपकी सरकार कैसे गुंडों को बढ़ावा देती है, कैसे स्टेट गुजरात तरीके से गुजरात उड़ीसा का उड़ीसा के जिस तरह से किया वो भी देखा है, सपोर्ट से क्राइम कर रही है, आप लोगों के नौजवान के नाम पर किस तरह से घर वाले के नाम पर किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हर मारे वो सारी चीजें सपोर्ट कर रहे हैं, देख चुका है आज के भूटा के देश के अंदर सब देख रहे हैं, अब तो सारी दुनिया देखने लगी है। जफर इस्लाम साहब जफर इस्लाम साहब देखिए पूरे देश पर जफर इस्लाम साहब वाले अंग्रेज के बाद सही पार्टी आप लोग देश को लूटने वाली ठीक है पार्टी है, भागे को सवाल ही नहीं दे रहे ठीक है, साउथ अफ्रीका में उनको बुलाइए ना, इसका कोई फायदा नहीं है, आप इधर उधर भटकाएंगे चर्चा को, किसी का फायदा नहीं होने वाला है और जनता बहुत समझदार है। जफर इस्लाम साहब केरला में जाए बगैर आप मुझे ये बता सकते हैं? देखिए प्रधानमंत्री जी ने जफर इस्लाम साहब के लिए बचा है, जफर इस्लाम साहब प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी ने और होम मिनिस्ट्री ने राजनाथ सिंह जी ने तो बाकायदा दूसरी एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि जो उस जिले का डीएम होगा पुलिस अधीक्षक होगा वो जिम्मेदार होंगे अगर कोई मूर्ति क्षतिग्रस्त होती है। मैं पूछ रही हूं कि बीजेपी के जो तमाम नेता शह दे रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं वायलेंस को, लोगों को भड़का रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है? आपने क्या एक्शन लिया? तमिलनाडु में बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है एच राजा, जिन्होंने फेसबुक पोस्ट की थी जिसके बाद पेरियार की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। व्हाट वाज योर एक्शन? सिंपल क्वेश्चन। देखिए मैंने पहले भी कहा कि हमारे सरकार और हमारे लीडरशिप इस तरह की चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। उनका स्टेटमेंट बहुत सीधा साधा है, बर्दाश्त नहीं करेंगे तो आंचल जी पूछ रहे हैं एक्शन क्या लिया उसका उत्तर दीजिए कि हमारे यहाँ हमारे यहाँ हो या किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता, अरे किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता ने गलत काम किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उनको उनको पार्टी बिल्कुल बख्शेगी नहीं, सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। आप कुछ ये है आप कह सकते हैं कि हमारे इतने सारे चोर और जितने लोग जो देश को लूटने वाले
पार्टी में भरे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी में क्या पे क्या एक्शन लिया आपने, कोई एक्शन लिया कैसे आप गए? अभी तो बात उनकी हो रही है जो बाकायदा शांति को यहाँ पर लूट रहे हैं, शांति भंग कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से महाबहस में आपका स्वागत है, और इसे अपना दुर्भाग्य ही कहेंगे हम लोग कि इस देश में मूर्ति पूजकों का देश है, ऐसे में मूर्तियों पर सियासत जरूर होगी लेकिन जिन महान हस्तियों की मूर्तियां लगी हैं उनके विचारों उनके आदर्शों पर सियासत नहीं होगी। मुझे जफर इस्लाम साहब एक छोटी सी बात आप बताएं कि आज भी तथागत रॉय जो कि गवर्नर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में हैं, उनका ये कहना है कि फंडामेंटल क्वेश्चंस आर कमिंग अप। मैं उनका ट्वीट कोट कर रही हूं, उन्होंने कहा वी रिमूव जॉर्ज फाइव फ्रॉम इंडिया गेट न्यू दिल्ली, क्वीन विक्टोरिया फ्रॉम फ्रंट ऑफ अ मेमोरियल इन कोलकाता, रीनेम्ड औरंगजेब रोड, ऑल बाय द गवर्नमेंट फियट्स। व्हाट इफ द गवर्नमेंट सिमिलरली डिसाइड्स टू रिमूव लेनिन स्टैचू, रीनेम लेनिन, एनी आंसर्स? मुझे ये बात बताएं, इसको जस्टिफाई करना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? उन्होंने ये भी कहा कि लेनिन की मूर्तियां तोड़े जाने के बाद भी कोई ब्रीच ऑफ पीस नहीं है, जबकि होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी पर एडवाइजरी दे रही है, प्रधानमंत्री निंदा कर रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष निंदा कर रहे हैं, तो सही कौन है गलत कौन है? या तो आपके होम मिनिस्टर साहब गलत पिक्चर दे रहे हैं या तथागत रॉय। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे होम मिनिस्टर, गृहमंत्री, तीनों ने इस बात को बड़े सख्ती से रखा है कि जो लोग भी इसके लिए इन्वॉल्व है या मुलविस है वो इसके लिए जिम्मेदार है और उन पे सख्ती से कानूनन कार्रवाई की जाए। लेकिन ये बात भी जरूरी है कि कुछ इस तरह के मैसेज जो किसी ने भी लिखे हैं और अगर वो मैसेज अगर लोगों को, हालांकि उनका पर्सपेक्टिव और उनकी सोच बिल्कुल अलहदा है, लेकिन उस सोच यह है कि हमारी जब सरकार बदलती है तो सरकार के सोचने के दूसरी सरकार के सोचने के भी तरीके बदलते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कानूनी ढंग से होगा ना सर? अगर वो लेफ्ट का जो सोचना है वो कम्युनिज्म में बिलीव है तो हम कम्युनिस्ट नहीं बन सकते हैं। लेकिन जहां तक मूर्तियों का सवाल है, चाहे किसी की मूर्ति हो, उसको नहीं तो सरकार बदलने के साथ साथ गवर्नर की भी सोच बदलेगी, और वो सोच अगर हिंसा का रूप ले ले तो वो भी जस्टिफाई होगा। जफर इस्लाम साहब, आंचल जी, नहीं बिल्कुल नहीं, हिंसा के लिए कोई भी जिम्मेदार हो हमारी सरकार उस पर कार्रवाई कर देगी, चाहे कोई भी हो, इसलिए कि हम हिंसा के बिल्कुल खिलाफ है। कोई ये लेफ्ट नहीं तो राज्यपाल अगर ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं तो क्या एक्शन लेंगे आप? राज्यपाल लेफ्ट पार्टी जो सिर्फ पॉलिटिकल वायलेंस करती है, दंगा फसाद करती है, लोगों मारती है। अब देखिए, वो जैसा मैंने कहा कि उन्होंने कोई मूर्ति गिराने को उनको मूर्ति गिराने से कोई जो उन्होंने कोई ये नहीं किया कि लोगों को इंस्टिगेट किया कि मूर्ति गिराओ, उन्होंने सोच की बात की है। लेकिन अगर फिर भी मैं कह रहा हूं कि किसी को भी अधिकार नहीं कि इस तरह के कोई ऐसे ट्वीट करे जिससे कहीं ना कहीं गलतफहमी, उनके ट्वीट से किसी को गलतफहमी हो। ट्वीट बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए जिससे समाज में बिल्कुल सीधा मैसेज, साफ सुथरा मैसेज जाना चाहिए। नहीं, और मैसेज ये है कि पॉलिटिकल वायलेंस के खिलाफ है। राजा जो है बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐसी पोस्ट डाली जिसके बाद पेरियार की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया, वो पोस्ट रिमूव की गई, और वहां पर आपके बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं तमिलनाडु में वो ये कह रहे हैं कि ये पर्सनल ओपिनियन है, ये मतलब आपका ट्विटर पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। मुझे ये बताएं, मोदी जी की बात, अमित शाह जी की बात, राजनाथ सिंह जी की बात आप ही के नेता क्यों नहीं सुन रहे हैं? अरे भाई, मैं तो बिल्कुल सीधा एक सवाल पूछ रहा हूं, कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में तमिलनाडु की बात करें, क्या हमारी सरकार है वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में है, जो पूछने आए हैं नहीं सत्ता, तो वो अगर वहां के जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सेवक का नारा देते हैं और मूर्तियां तोड़ते हैं, यही इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है। सवाल कुछ पूछो, उत्तर कुछ देंगे इनसे आप। अरे भाई, आपने तो देश को तोड़ के रखा है मेरे भाई, यही भाजपा है। नहीं नहीं, आपने तो देश को तोड़ के रखा है, आपने देश को खोखला बना के रखा है। देख रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता के पास कोई उत्तर नहीं है किसी चीज का, भाजपा के पास किसी एक सवाल का उत्तर नहीं है,
उनके गवर्नर से लेकर मंत्री से लेकर तो सब उत्तर आपके पास है, सब वायलेंस आपके पास है, समाज को तोड़ने का उत्तर आपके पास, समाज तोड़ना आपका उत्तर है, वायलेंस आपका उत्तर है, देश के साथ मिल जाइए ये आपका उत्तर है। समाज के लिए आपने क्या किया है, ये मंत्री बनाते हैं, नहीं समाज के लिए आपने क्या काम किया है कि आप अपना इतिहास कोई आप जो है अपना इतिहास के लिए आप लेफ्ट को अपने भाई बाप मान सकते हैं, बट हम नहीं कर सकते सर। लेफ्ट है, लेफ्ट की आइडियोलॉजी को हम नहीं फॉलो कर सकते। विचारधारा हो, उस विचारधारा को खत्म कर दो। लेकिन रशिया में अगर उसको पूछा जाए तो समझ में आता है। आप इनके पुजारी कब से बन गए भाई? मैं भी सहमत नहीं हूँ, मेरी पार्टी भी सहमत नहीं है। मूर्तियों को नहीं गिराना चाहिए, वो सही बात है। इसका ये मतलब नहीं है कि लेनिन को पूजेगा। लेनिन की मूर्ति अपने भाजपा के गुंडे नहीं है। अरे आप सहमत हो ना हो, देश की रक्षा से मानो, भाजपा की गलती सच्ची है। मैं तो सिंपल बात कर रहा हूँ। मूर्तियों को तोड़ने के खिलाफ है, उस पर काम होना चाहिए। लेकिन आप उसे हमेशा छोड़ेंगे, इसके लिए उनको लेनिन का फार्मूला पता नहीं है। ये चाहते हैं कि यहाँ के मजदूरों को लूटे, यहाँ के किसानों को मारे, यहाँ पर कत्लेआम हो, यहाँ पर नफरत फैलाई जाए, इसके लिए इनको लेनिन अच्छे नहीं लगते। इनको तो गच्चे अच्छे लगते हैं। इनके नेता कौन है? इनके नेता हिटलर और गच्चे गांधी के साथ लेनिन के नेता है। और ये लेनिन के लेनिन क्या है? जबान से नाम लेने के काबिल नहीं है। लेनिन के लिए लेनिन कहाँ और कोई विचारधारा नहीं है। नामों पर आप राजनीति कर रहे हैं, आप सियासत कर रहे हैं। तीनों लोग मुझे ये बताइए, उनके आदर्शों पर कब चलेंगे आप? उनके आदर्शों पर कब चलेंगे? आपके घाट उतार रहे हैं तो क्या ये सही है? अच्छा जफर इस्लाम साहब मुझे ये बताएं, साक्षी महाराज गांधी जी को कहते हैं कि वो किस तरह के व्यक्ति? सर एक मिनट, गुजरात आप बताइए मुझे, आपके हरियाणा के एक मंत्री गांधी जी के लिए क्या क्या कहते हैं? अरे गांधी जी ने बोर्ड से की मूर्तियां बनती है। अभी आप व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, गुजरात पे चले जाएंगे, केरल में चले जाएंगे, कर्नाटका में चले जाएंगे, जनता मूर्ख नहीं है। अरे लड़ाई लड़ाई लड़ना है तो विचारों की लड़ाई है। अच्छा एक बात बताइए, उनको लेने से दिक्कत है? खात्री साहब किसी को बताइए, खात्री साहब आप उनकी गुंडागर्दी बता रहे हैं, उनको लेने से दिक्कत है? मुझे बताइए आपको पेरियार से क्या दिक्कत है? सीपीआई का कार्यकर्ता क्यों गया पेरियार की मूर्ति तोड़ने के लिए? आपने क्यों एक्शन नहीं लिया? बिल्कुल गलत बात है, कोई सीपीआई का कार्यकर्ता पेरियार के मुजस्मे पे ढाने के नुकसान पहुंचाने के मुकाबले इतना सब कुछ ऐसा है तो इस पे कुछ है तो इंक्वायरी होनी चाहिए पूरी तरह से। ये खाली गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, कोई ऐसा नहीं कर सकता। पेरियार के वारिस हैं हम पेरियार को मानने वाले लोग हैं हम। अम्बेडकर, प्रिया, ज्योतिबाई फूले, सरस्वती फूले, ये सारे लोगों के हम वारिस हैं। और पेरियार की मूर्ति दो लोगों ने तोड़ी है जिनको हिरासत में लिया गया है। एक है बीजेपी के टाउन सेक्रेटरी आर मुथुरमन, दूसरे हैं एम फ्रांसिस, सीपीआई के डेप्यूटी सेक्रेटरी। इन दो लोगों ने मूर्ति तोड़ी है पेरियार की, आपने क्या एक्शन लिया बताएं? अगर ऐसा कोई हमारा कार्यकर्ता भी करता है तो आपको पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है, ब्लैंक है आप। नहीं नहीं, ब्लैंक की बात नहीं है, उस पर पूरी तरह से होना चाहिए। आप उस पर एक्शन लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। हम भी हमारी पार्टी के अंदर पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। था या ना था, पहले कह दिया ये उड़ी उड़ी बातों पे हम किसी का हम अपना स्टेट पे चले। कमाल है, आपके कार्यकर्ता जाके मूर्ति तोड़ेंगे तो उड़ी उड़ी बात है। नहीं, जिस तरह से कोई भी ले सकता, इस तरह अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बीजेपी भी कहेगी कि हम देखेंगे कि किसने तोड़ी है किसने नहीं तोड़ी। हमारे के लोग तो सारे अपनी टोपी लगाकर झंडा लेकर लेनिन की मुजस्मे को तोड़ रहे थे, इनके गवर्नर सपोर्ट कर रहे थे, इनके पूरे वक्त वहां के लीडर सपोर्ट कर रहे थे खड़े कर, और उन्हें बुलडोजर देकर भेजा जाइए जाकर तोड़िए। कोई गवर्नमेंट इसके अंदर वैलिड है? जफर इस्लाम साहब, बाकायदा बुलडोजर ले जाकर मूर्ति को तोड़ा गया लेनिन की? गवर्नमेंट की बुलडोजर होगी, गवर्नमेंट की बुलडोजर, गवर्नमेंट की गाड़ी को ले जाकर। ड्राइवर को हिरासत में लिया गया, ठीक है ना? अभी और लोगों को हिरासत में ही नहीं लिया गया, गिरफ्तारियां नहीं की गई है। मुझे ये बताएं, इससे बेटर तो ममता बनर्जी की सरकार है। जो छह लोग पहुंचे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने के लिए, उन छहों को हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया, सातों को ले लिया जिसमें छह पुरुष और एक महिला है। देखिए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, जहां हमारी सरकार है वो तो बड़े सख्ती से निपटेगी।
आपको किसी और सरकार का मिसाल देने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड आपको मालूम है। त्रिपुरा में क्या वहां की नवाज शरीफ की सरकार है भाई, करने वाले ताकतों के साथ रहते हैं, तो हमारी सरकार तो एक्शन लेके बात है, क्या कर सकते हो? समाज को तोड़ने वाली ताकतों का विचार नहीं कर सकते, लेकिन इतना कह सकते हो कि हमारी सरकार और हमारी पार्टी दोनों इस चीज के खिलाफ है। इस तरह की किसी भी आदत, किसी भी काम से हम खिलाफ है, हमारी विचारधारा है, हमने प्रण लिया है, हमने प्रवचन दिया है। अरे बंद करो ड्रामा सब किया है, और हमारे 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 पूरी लीडरशिप इसके खिलाफ खंडन किया है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई गलत शब्दों में निंदा करते हैं तो हम तो उस पर, अरे ये विदेशी स्वदेशी के नाम पर एक दिन आएगा इस देश के अंदर, हर चीज को तोड़ेंगे। तब जिस तरह नफरत के फैलाना चाहते हैं देश के अंदर, यही करना चाहेंगे कि सरकार मुद्दों पे काम नहीं करेगी, यहाँ के इकोनॉमिकल इश्यूज पे काम नहीं करेगी, यहाँ के किसान मजदूर के लिए काम नहीं करेगी, सिर्फ ये काम करेगी कि यहाँ पर विदेशी कौन है, स्वदेशी कौन है। ये लोग एक दिन आएगा यहाँ पर सारे सीधे मूर्तियां तोड़ने का काम कर रहे हैं, सरकार चलाइए। जवाब कहीं नहीं मिलेगा। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निंदा निंदा का खेल थोड़ा और चलेगा, सवाल पूछे जाएंगे लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलेगा। एक सवाल जो बहुत पहले एक कोट था कि एंग्री मैन डिफीट्स हिमसेल्फ, वी आर बिकमिंग एन एंग्री नेशन, ऐसे में बड़ा सवाल ये है, बीफ के नाम पर, काउ विजिलेंटिज्म के नाम पर, और अब क्या मूर्तियों के नाम पर जिसका मन करेगा हमें गुस्सा दिलाएगा, और हम उस गुस्से में क्या कुछ कर चले जाएंगे, कितने पागल हो जाएंगे, क्या कोई नियंत्रण नहीं है, क्या कोई रोक टोक नहीं है, ये बड़ा सवाल है। महाबहस में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला।